हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की तैयारी हम कर रहे हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि कैसे जो स्कूल के प्रोसेसेस होते हैं या जो फॉर्म्स बनाई गई होती हैं उनको हम टीचिंग लर्निंग को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और उन स्कूल प्रोसेसेस में ये बात करते हैं एनुअल कैलेंडर की, टाइम टेबल की, पेरेंट टीचर फॉर्म्स की, स्कूल असेंबली की या टीचर डेवलपमेंट फॉर्म, इनको हम कैसे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए प्लस स्कूल के सेल्फ असेसमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। एंड स्पेसिफिकली, येस आई नो एग्जाम डेट्स आ गई हैं, बट पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। ओके, सो पैनिक करने की जरूरत नहीं। किसी स्टूडेंट का भी कमेंट आया हुआ था, आई थिंक नीरज नाम था उनका, एंड ही वॉज लाइक कि बहुत एकदम से सब कुछ मिक्सअप हो गया, डर लग रहा है। मतलब वो डेट तो आनी ही थी ना, तो उस डेट को देख के इतना क्यों पैनिक करना। सो आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चलिए कि ठीक है, अपना बेस्ट देने की ट्राई करते हैं, जितना हो पाएगा उतना कर लेते हैं। पेडागोजी मैं आप लोगों की करवा ही दूंगी, कोशिश रहेगी कल परसों तक ही हो जाए। सो पेडागोजी कंप्लीट करने के बाद आप अपना साइड बाय साइड अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। सो क्योंकि ऑब्वियसली टाइम सबके लिए ही बराबर है ना, सिर्फ आपके लिए तो कम नहीं है, राइट। सो इसलिए कोशिश करनी है और बेहतर तरीके से कोशिश करनी है। सो पैनिक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज पैनिक करेंगे तो जो आपने पढ़ा है अब तक वो भी डावाडोल हो जाएगा। सो वो डावाडोल नहीं करना है, हमें गड़बड़ानी नहीं है चीजें बिना पैनिक के, काम माइंड से। मतलब आई नो काम करना इतना ईजी नहीं होगा आप लोगों के लिए, बट काम माइंड रखने की कोशिश करनी है कि ठीक है यार, सबके लिए इक्वल टाइम है। आप अपना बेस्ट जितना टाइम दे सकते हैं उस एग्जाम को वो दीजिए। अगर आप साथ साथ कोई और जॉब वगैरह कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से टाइम दीजिए, बट पैनिक करना कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। ओके, सो पैनिक नहीं करना है और शांति, क्योंकि अगर आप पैनिक नहीं करेंगे और शांति से काम करेंगे ना, यही चीज बहुत सारे स्टूडेंट से आपको अलग खड़ा कर देगी जो कि पैनिक चाहते ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। ओके, सो पैनिक नहीं करना है, स्पेसिफिकली जो इनकलकेट लर्निंग देख रहे हैं। ओके, पैनिक नहीं करना जितना अभी तक हो गया। पेडागोजी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि पेडागोजी इतनी इनफ है या नहीं। आपके पास इतना टाइम है भी नहीं कि आप इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा करें। ओके, सो बाय दैट लॉजिक ऑब्वियसली ये इनफ है, इतना ही हो पाएगा अभी ना। सो पेडागोजी में इतना ही रखिए और इसी को रिवाइज कीजिए, प्लस कहीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो प्रैक्टिस करके देख लीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह। अदरवाइज अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। सो डरने की जरूरत नहीं है, विल गो थ्रू इट, ये टाइम भी गुजर जाएगा और हम अच्छे से इस टाइम को पास करेंगे। ओके, चलिए जी, सबसे पहले तो जो ये स्कूल प्रोसेसेस की बात की गई है वो हमें पता होने चाहिए, जिसे एनुअल कैलेंडर है क्या। तो एनुअल कैलेंडर एक स्कूल का अलग से भी कैलेंडर होता है, जो कि नॉर्मल जो डेट का कैलेंडर होता है ना हमारा, उससे अलग होता है। ओके, सो डेट के कैलेंडर में सारी की सारी डेट्स होती हैं जो हम देखते हैं। यूजुअली बड़ा सा कैलेंडर हमें मिलता है जिसमें डिफरेंट कलर से कई बार हॉलीडेज दिखा दिए जाते हैं, बट स्कूल कैलेंडर इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। उसमें हो सकता है सारी की सारी डेट्स मेंशन ना हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, डेट्स के एडिशन में यहां पे प्रोग्राम्स मेंशन होंगी, जैसे कि भाई 26 जनवरी को कोई प्रोग्राम होगा, ये फेस्टिवल होगा, इस दिन हॉलीडे रहेगी सैटरडे संडेज के अलावा, इस दिन कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम होगा, इस दिन एनुअल फंक्शन होगा। बिकॉज ये फंक्शंस या ये चीजें हमें पता होना बींग अ टीचर भी जरूरी है और बींग अ स्टूडेंट भी जरूरी है। बिकॉज अगर एनुअल फंक्शन है, मान लो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, स्कूल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सो अगर एनुअल फंक्शन है सो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए वो प्रैक्टिस करेंगे, आपका टाइम डावाडोल हो जाएगा, आपकी चीजें जो हैं जो आप पढ़ाना चाह रहे थे, जिस हिसाब से आपने ईयरली प्लान, लेसन प्लान, यूनिट प्लान बनाया था, वो गड़बड़ा जाएंगी। ओके, सो एनुअल कैलेंडर में ये सारी चीजें मेंशन है, तो हम इन चीजों को एक स्ट्रेंथ की तरह यूज कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि भाई चलो इस दिन छुट्टी है, बचे हुए टाइम पे जिसमें पॉसिबिलिटी है ये सारे स्टूडेंट्स होंगे, कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, छुट्टी नहीं है, सो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करके आप अपना सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं बींग अ टीचर, और बींग अ स्टूडेंट आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कवर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि स्कूल कैलेंडर में हर चीज मेंशन होती है, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, आपके फंक्शंस, आपकी छुट्टियां, तो वो सारी चीजें मेंशन होंगी, और कई बार तो प्रोबेबल एग्जाम डेट भी मेंशन होती है। ओके, सो वो चीज हमारे लिए एक स्ट्रेंथ का काम करेगी। टाइम टेबल्स की बात करें, सो स्कूल में एक आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं बता देती हूं, स्टूडेंट का अलग टाइम टेबल होता है जो सबको मिलता है, बोर्ड नोटिस बोर्ड पे लग जाता है, टीचर्स को उनके शेड्यूल के हिसाब से अलग से टाइम टेबल प्रोवाइड करवाया जाता है कि भाई चलो ये टीचर ए का टाइम टेबल है, इसमें उनका फर्स्ट टू नाइन्थ लेक्चर है, जितने भी लेक्चर स्कूल में लग रहे हैं उन पीरियड्स में वो कौन कौन सी क्लास को लेंगे। ओके, तो वो टाइम टेबल जो है वो टीचर और स्टूडेंट का अलग अलग रहेगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए।
उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है किसी टीचर का एक लेक्चर हो पूरे दिन में और उनका सिलेबस इतना सारा हो, किसी टीचर के दो लेक्चर हो, सो लेक्चर के अकॉर्डिंग भी आप चीजों को शेड्यूल करेंगे, सेट करेंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर लेने क्या करना है, सो वो टाइम टेबल जो है वो भी एक बहुत जरूरी चीज हो जाता है जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, स्पेसिफिकली लेसन प्लान की। स्कूल असेंबली में बहुत सारी चीजें ऐसी करवाई जाती हैं, जैसे न्यूज पढ़ना या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार, सो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज स्कूल असेंबली में भी होती हैं, जिसमें ये सारे के सारे ना आज ही गली में सिलेंडर वाले को आना, वो भी इतनी जोर जोर से सिलेंडर रखना है। चलिए कोई बात नहीं, स्कूल असेंबली में ट्राई करती हूँ मेरी आवाज ज्यादा रहे इससे, स्कूल असेंबली में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां पे हम कोई ऐसा शेड्यूल या कोई ऐसे जो है सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि सभी बच्चों के लिए यूजफुल हो। जैसे मान लो अगर वहां पे सिर्फ न्यूज रिपोर्टिंग होती है या सिर्फ प्रेयर होती है, तो हम उसमें एक जनरल नॉलेज का सेक्शन जो है वो डाल सकते हैं, ताकि सभी मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के हर बच्चे को उसका फायदा पहुंचे। ठीक है, तो स्कूल असेंबली को या उसमें होने वाली एक्टिविटीज को हम स्कूल के इंप्रूवमेंट के लिए या बच्चों के इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। देन आता है जी पेरेंट टीचर फोरम, इन्होंने टीचर डेवलपमेंट फोरम भी इंक्लूड किया है। तो फोरम होती क्या है? सो फोरम बेसिकली एक जगह, एक मीटिंग होगी जहां पे पीपल जो है, लोग जो है, वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकें, डिस्कस कर सकें। जैसे कि पेरेंट टीचर फोरम की हम बात करेंगे, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है ना, उसमें सारे के सारे टीचर्स इंक्लूड नहीं होते, बट अगर हम पेरेंट टीचर फोरम बना रहे हैं तो सारे के सारे टीचर और पेरेंट्स उसमें इंक्लूडेड हो गए। ठीक है, सो पेरेंट टीचर फोरम की जो गाइडलाइंस हैं वो सीबीएसई से मिलती हैं, कि सीबीएसई या जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो बोलते हैं कि पेरेंट टीचर फोरम होनी चाहिए। ठीक है, तो जनरल बॉडी होगी, एक फोरम होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कैसे, सभी के सभी पेरेंट्स बच्चों के, उसमें जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन सबके पेरेंट्स। एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी इस फोरम की, वो एक नॉमिनेटेड बॉडी होगी जो कि पेरेंट्स और टीचर्स उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। प्रिंसिपल जो है वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहेगा उस फोरम का, ये बात याद रख सकते हैं आप। तो जो पेरेंट टीचर फोरम है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी डिसीजन मेकिंग में, टाइम टू टाइम, कि स्कूल के लिए क्या बेटर है, क्या हम कर सकते हैं, क्या और अलग चीजें हम कर सकते हैं स्कूल इंप्रूवमेंट के लिए। सो यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ का काम कर सकता है, कि मान लो हमें बीइंग अ टीचर मैं चाह रही हूं कि कोई चीज इंक्लूड होनी चाहिए, सो वो मुद्दा मैं यहाँ पे उठा सकती हूँ कि स्कूल में ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये जो फोरम है पेरेंट टीचर फोरम, ये पेरेंट्स और टीचर को एक तरीके से क्लोज लाने में, अपने आइडियाज शेयर करने में, उन चीजों में हेल्प करेगी हमारे लिए। तो ऑब्वियसली इसको भी हम स्ट्रेंथ की तरह यूज कर सकते हैं। टीचर डेवलपमेंट फोरम भी होती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है निष्ठा। निष्ठा की अगर हम बात करेंगे, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि कैसे निष्ठा में जो है चीजें होती हैं। जैसे ये निष्ठा की क्या है, यहाँ पे जी ऑफिशियल वेबसाइट है निष्ठा ऑनलाइन, यहाँ पे आपको फोरम्स में दिख जाएगा, यहाँ पे ऊपर एक फोरम दिख रहा है ना, सो उस फोरम में जाके आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, ये रहा फोरम पे। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्कूल एनवायरमेंट, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये सारी वही चीजें जो अभी तक आपको स्क्रीन पे दिख रही थी। सो इनसे रिलेटेड आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, सो वो डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से एक दीक्षा प्लेटफॉर्म भी होता है जहां पे जाके आप चीजों को देख सकते हैं। वहां पे कुछ एक चीजें यहाँ पे साइड में आपको मेंशन दिखेंगी, जैसे एक तो ये आ गया निपुण भारत मिशन, आपको पता होना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मैं करवाऊंगी एक दो वीडियोस के बाद। सो निपुण भारत मिशन के अंडर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए मिशन चल रहा है, ये पता हो आपको। बेसिकली दीक्षा की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे ना, सबसे पहले तो दीक्षा की फुल फॉर्म ही याद रख लीजिएगा, ये साइड में मेंशन है यहाँ पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, पूछी जा सकती है। ये इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। सो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म हो गया, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, हो सकता है आपने जो जनरल नॉलेज वाला सेगमेंट है उसमें भी किया हो। ये भाषा संगम करके, एक भारत श्रेष्ठ भारत करके, बिल्डिंग वोकेशनल एजुकेशन फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। देन उसके साइड में अगर आप अगले पॉइंट पे देखेंगे तो वर्चुअल लैब्स की बात की है इन्होंने। एक विद्या अमृत महोत्सव भी है जो नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, इनोवेटिव पेडागोजी के बारे में सेलिब्रेट करने के लिए, कि इनोवेटिव पैडागोजी मतलब किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, सो लेड बाय टीचर, टीचर एजुकेटर्स या फिर स्कूल लीडर्स, तो इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है, आप देख सकते हैं। इसमें परीक्षा पे चर्चा के बारे में हम सबको ही पता है। सो पॉइंट ये है कि टीचर्स के लिए भी पर्टिकुलर फोरम्स होती हैं, जैसे निष्ठा एक फोरम है जो एग्जांपल आप लेके चल सकते हैं, जहां पे टीचर्स, मान लो मैथमेटिक्स की पेडागोजी है या एनवायरमेंटल स्टडीज की पेडागोजी है, सो टीचर यहाँ पे फर्दर जाके उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं स्कूल एनवायरमेंट पे जाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ये डिस्कशन दिखेगा आपको, यानी मॉड्यूल 2 है ये, डेवलपिंग स्कूल,
सोशल पर्सनल क्वालिटीज एंड क्रिएटिंग सेफ एंड हेल्दी स्कूल एनवायरमेंट। यहाँ पे देखिए पर्सनल सोशल क्वालिटीज से रिलेटेड यहाँ डिस्कशन है, ये रिप्लाईज हैं, जैसे यहाँ पे एक रिप्लाई दे रखा है इस ईमेल से। सो इस तरीके से आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया जी, टीचर डेवलपमेंट फोरम हो गया हमारा निष्ठा। ओके, अब ये जो चीजें हमने पढ़ी इनको टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को इंप्रूव करने के लिए, स्कूल की सेल्फ असेसमेंट को इंप्रूव करने के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, अगर सबसे पहला पॉइंट हम लेके चले हमारा एनुअल कैलेंडर वाला, एक सेकेंड, एनुअल कैलेंडर वाला पॉइंट अगर हम लेके चले तो हमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो साल में होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ हॉलीडेज संडेज जो एक्सक्लूड हो रहे हैं साल से वो पता होगा हमें, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन वो कैलकुलेट हो जाएंगे, सर्कमस्टेंसेस कैसे डिस्टर्ब करते हैं पूरे के पूरे शेड्यूल को, क्या क्या चीजें उसमें होंगी, प्रोबेबल एग्जामिनेशन डेट क्या होगी, डेट ऑफ स्पेशल लेक्चर्स या वर्कशॉप सेमिनार फन फेयर, कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है, पिकनिक है, टूर है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होंगी। ओके, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो पॉइंट नंबर के वाइज मेंशन होंगी। एंड हम क्या कर सकते हैं, ये जो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है ना, हम इसको क्या यूज कर सकते हैं अपना शेड्यूल बनाने के लिए। तो टीचर्स कैसे यूज करेंगे ये सारी चीजों को, वो ईयरली प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान अकॉर्डिंगली बनाएंगे कि कितना उनके पास टाइम है। जैसे अभी केवीएस का एग्जाम आ गया, सो उसके अकॉर्डिंग मेरा लेसन प्लान क्या रहेगा कि जल्दी से कंप्लीट कराऊं ना, कि चलिए बैक टू बैक ट्राई करती हूँ जितना जल्दी डल पाए। सो टीचर भी वैसे ही करेंगे स्कूल में कि ईयरली प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम रिस्ट्रेन उनके पास है उस हिसाब से वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करें, सारा का सारा शेड्यूल अकॉर्डिंगली करें। ओके, अब अगर मान लो जनरल जो स्कूल असेंबली है वहां पे हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करवा ही रहे हैं, तो वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको क्लास में डिस्कस करने की जरूरत शायद ना पड़े। ओके, सो वो टाइम आपका वहां पे बच जाएगा। नोट डाउन द पॉइंट्स शेयर्ड बाय पेरेंट्स एंड यूज देम अकॉर्डिंगली इन योर प्लान। सो जो पॉइंट्स जो टीचर पेरेंट फॉर्म में पेरेंट्स यूज कर रहे थे, टीचर्स बता रहे थे कुछ, वो सारी चीजें आप नोट डाउन करके अपने प्लान के अकॉर्डिंग चीजों को वहां पे यूज कर सकते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट के पेरेंट ने बहुत अच्छा कुछ सजेशन दिया, आप उसको यूज कर सकते हैं क्लास में। तो वो स्ट्रेंथ की तरह हम यूज कर सकते हैं इनको कि जहां जो भी चीजें हुई वहां पे हम कैसे जो है स्पेसिफिक चीजों को निकाल के अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। कैसे फोरम में, मान लो टीचर किसी पेरेंट ने स्कूल के लेवल पे कोई अच्छा आइडिया दिया, ना कि सिर्फ लर्निंग लेवल पे, तो वो स्कूल के लेवल पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको। ओके, ऐसे ही जो टीचर के डेवलपमेंट के लिए फॉर्म बनी हुई थी, टीचर डेवलपमेंट में हम वहां पे डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड आपको आ रही है, सो वहां पे भी डिस्कशन आपका हो सकता है। ठीक है, सो पॉइंट ओवरऑल ये है कि जो कैलेंडर है, स्कूल असेंबली है, हमें यूजुअली पता है बीइंग अ टीचर की वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, सो उन चीजों को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हमें आइडिया हो जाएगा। सो अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वो चीजें, वो सिनेरियो दिमाग में रखिए कि टीचर डेवलपमेंट फॉर्म क्या होती है, या फिर स्कूल का जो डेवलपमेंट है, या जो प्लान हमने पढ़े, विजन बिल्डिंग पढ़ा, उन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। मैं भी आप लोगों के लिए, आप जितनी मेहनत कर रही हूँ शायद आपसे ज्यादा, क्योंकि बैक टू बैक अब मुझे डालनी है, आपको सिर्फ देखनी है चीजें, आपको ऑलरेडी मटेरियल मिल रहा है, तो उस चीज का फायदा उठाइए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।